प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा आज अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बुधवार को मोदी सिंगापुर पहुंचे थे और गुरुवार को दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की गई। इस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर केवल एक देश नहीं है, बल्कि यह हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में भी कई सिंगापुर जैसे मॉडल विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। दूसरे दिन पीएम मोदी ने सिंगापुर के उद्योगपतियों और भारतीय छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग और हेल्थ तथा मेडिसिन के क्षेत्र में साझेदारी शामिल है। पीएम मोदी ने लॉरेंस वोंग से मुलाकात के बाद कहा कि सिंगापुर में गर्म जोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने वोंग को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि सिंगापुर 4G के नेतृत्व में तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि सिंगापुर का मॉडल भारत के लिए प्रेरणादायक है और हम भी भारत में ऐसे कई मॉडल विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान सिंगापुर और भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में तालमेल बढ़ेगा। यह मुलाकात पीएम वोंग के प्रधानमंत्री बनने और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ दिनों बाद हुई है। आज पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने यात्रा से पहले कहा था कि सिंगापुर के साथ राजनीतिक साझेदारी को नए और उभरते क्षेत्रों में गहरा करने के उपायों पर बातचीत के लिए उत्सुक है।